मेरा नाम वंशिका, मैं हापुड़ में रहती हूँ। मतलब मयूर चलाते से टपी बोलते हैं। 25 फीसद मेरे पापा जल गए थे हजार के रहने से, 80% जले थे मेरे पापा। 3 साल हॉस्पिटल में रहते हैं मम्मी जी और पापा। 3 साल हमने काली चाय पी थी। हमारे माँ बाप ने इतने बुरे दुख काटे, तो फिर मैं कोने में बैठ के रोती थी कि हमारे माँ बाप ने बहुत बुरे दुख काटे। तो जब मेरे पापा मयूर चलाने जाते थे ना, तो मुझे मतलब अंदर से ऐसे उत्साह सी बढ़ती थी कि यार मेरे पापा 10 रुपए में किसी को बिठाते हैं, और वो मतलब बिठाते हैं तो बहुत थोड़ा अजीब सा लगता था। तो कोई 5 को 10 इस तरीके से करता था। हम पढ़ाई भी करते थे तो पापा हमारे जो थे तो थोड़ा अलग ही वो होता था कि हमारे माँ बाप हमारी खातिर हाथ पैर जोड़ रहे। हमने अपने फोन से बनाई थी, तो मामा जी ने फोन से तो वहाँ से डाल के डाल दिया कि मेरा गलत हो जाए। लेकिन मेरे साथ ऊपर वाले ने सीधा, लेकिन मेरा सपना था कि मैं वकील भी बनूं। नमस्कार, मैं अजय भास्कर डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से आज हापुड़ में आया हूँ, जो कि वायरल गर्ल वंशिका, जिसकी गलियों में आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये हापुड़ है, हापुड़ की ये जो गलियां है, आज वही वंशिका का ये जो आप देख सकते हैं, ये इतना खड़ा हैंडपम्प है, इसी के ठीक सामने ये मकान है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ उनके पूरे फैमिली का क्या ग्राफ है और किस तरीके से कहाँ पर वो रहने वाले हैं, पूरा मैं आपको बातचीत कराता हूँ। यहाँ पर ये देखिए सज्जन बैठे हैं। क्या नाम है आपका? कौन है आप वंशिका के? बेटी है मेरी वंशिका। ये पिता है वंशिका के। मैं इनसे थोड़ी देर बात कर लेता हूँ, कैमरा मैन से कहूंगा कि सामने थोड़ा हवा आ जाए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप यहाँ रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, किस तरीके से यहाँ रहने का काम है आपका? बस ऐसे ही रह रहे हैं। टिड्डी है मेरे पास में, अपने बच्चों को गुजारा कर रहे हैं टिड्डी से। और जंगल जाते कटिया पालना की गुजारा। यहाँ आप जो है कब से गुजर बसर कर रहे हैं? यहाँ तो कम हो गए 100 साल के आसपास हो गए, हमारे बड़े बूढ़े आए थे। 100 साल से ज्यादा आप यहाँ रह रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि टूटा फूटा मकान है। बड़े बूढ़े सरकार आपकी कहीं से कोई मदद कर रही क्या? नहीं, कोई मदद नहीं कर रही सरकार का। कोई आपको लाभ मिला अभी तक? ना, अभी तक कोई नहीं मिला। तो कोई लाभ नहीं। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, पढ़ाई करते हैं। अच्छा, जो बेटी आपकी वंशिका है वो कौथे नंबर की है? सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी है। कितने क्लास में पढ़ रही है? 10वीं के पेपर देगी अब तक वो। अच्छा, आपको ये जानकारी है कि बेटी आपकी वायरल हो गई है? हाँ जी, हाँ जी। वायरल होने के बाद प्रदेश का नाम रोशन कर रही है, नाम रोशन करके अपने देश का। तो आपको जो पिछली जिंदगी है, क्या अभी भी वही जिंदगी याद आ रही है? आगे कुछ सपना सा नजर आ रहा है? सपना सा नजर आ रहा है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार से क्या उम्मीद है आपको? देखो सरकार ही जाने इस चीज को। तो आपको भी तो हर बेटे को पिता से उम्मीदें होती है, बेटी को माँ से होती है, हर किसी से उम्मीदें होती है। आपको क्या उम्मीद सरकार से? अपने बच्चे से ही उम्मीद तो हमें, सबसे ऊपर जाए हमारा बच्चा। अच्छा, आप टिवरी चलाकर जो है गुजर बसर करते थे? ये रिक्शा जो है टिवरी कब से चलाते हैं? इसे कोई हो गए 10-12 साल हो गए। अच्छा, ये आपका खुद का खरीदा है या फिर किराए चलाते हैं? अपना है, अपना खुद का। तो आपके जो भैंस भी है और भी जानवर है कुछ, कौन कौन है यहाँ? जैकी है, कल्लो है उधर। अच्छा, जैकी किसका नाम है? ये इसका नाम है जैकी। ये दिखा दें कैमरामैन कि ये जैकी है, और अपने वंशिका के जो पिताजी है वो उनकी चारपाई पर खुद लेटी है और बड़ा नाम जानती है जैकी। जैसे ही नाम लिया वो देखने लगी है, इंटरव्यू इसका नहीं कर सकते। जैकी नमस्कार। ये देखिए जैकी भी अपना इंटरव्यू चालू कर दिया है। ये जैकी का यहाँ पर एक और है अभी, इनका क्या नाम बताया आपने? कल्लो। इनका कल्लो नाम है, मैं कल्लो से भी नमस्ते कर लेता हूँ। अरे भाई कल्लो कह रही, अरे भाई इंटरव्यू, अरे ऐसे तोड़ ताड़ देना, हम इंटरव्यू लेने आए बहुत दूर से, बात समझिएगा। हाँ ठीक है, हमने दोबारा राम राम ले लिया और टीवी पे चलाएंगे। ये कल्लो, ये बहुत मशहूर हो चुकी है पूरे उत्तर प्रदेश में, वंशिका की बहुत प्रिय ये कल्लो है। इनका दूसरा भी नाम है कोई? नहीं, एक ही नाम है।
तो यहाँ पर जो बातचीत चल रही है यहाँ के पिताजी उनके पिताजी से, तो माताजी कहाँ है बंसकागी? और थोड़ा सा अगर हमको मिल जाए तो थोड़ी सी बातचीत हो जाए हमारी। तब तक मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये जो बंसिका की कल्लो है ये कुछ बात करना चाहती है, लेकिन मैं इनसे ऐसे ही बात कर लेता हूँ क्योंकि बहुत जरूरी है, इनसे भी बात करना, नाराज हो रही है, चैनल पे आना चाहती है। ठीक है, तो अब ठीक है, मैं इतना ही बहुत है। देखो जेकी कितना समझदार था, उसने आराम से बात की अपनी और वो अपना काम पे लग गया। और यहाँ पर मैं घर दिखाना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा कि ये देखिएगा आप बंसिका का जो घर है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि इस घर को देखकर आप अपनी मनसा को बदलें और इस घर को अगली बार मैं जब आऊं तो ये पक्का मकान अच्छे से बनाओ। देखिए झाड़ फूस से लकड़ियों का ये बना हुआ मकान है, जिस मकान में वंशिका जो कि पूरे हापुड़ में ही नहीं उसने पूरे उत्तर प्रदेश में नाम कर रखा है। आप देखिएगा इस ये मकान जो है, आप ये पूरी कंडीशन देख सकते हैं, यहाँ पे रहने का गुजर बसर करने का इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये चारों तरफ जो दीवारें हैं दरकती दीवारें दिखाई दे रही हैं और इनका गुजर बसर करने का आप, अब मैं कैमरामैन से अंदर आ जाए, बंसिका का ये जो एक घर एक कमरा है यहाँ पर मैं दिखाना चाहता हूँ। ये जो वायरल गर्ल है ये बंसिका है, ये बंसिका बैठी हुई है और यहीं पर ये जो फ्रिज है ये भी बहुत फेमस है। ये पर्दा ये जगहें ये आप देख सकते हैं कच्चे मकान में। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि जमीन दिखाए, ये आज भी मकान कच्चा है और कच्चे मकान में जो वायरल गर्ल है बंसिका जो आपके सामने है ये बहुत ही गरीब परिवार से बंसिका है और इसकी जो हालात है मालीन हालत है बहुत ही गिरी हुई है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि किसी न किसी हालत में इस बेटी को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाए, इस परिवार को आगे उठाने का काम किया जाए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि पिताजी ने इनके बताया, अभी मैं बंसिका से बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपको फिर से बैग ले जाता हूं, क्योंकि इनके पिताजी की जो हालत है वो थोड़ी सी नाजुक है और इनके जो हाथ है वो हमें लग रहा चोट है। हाथ में क्या हो गया था आपके? ये मुझे जो बिजली का पकड़ लिया था, बिजली काम करता था, बिजली के काम से इनको पकड़ लिया था, फिर क्या हुआ? बिजली ने पकड़ लिया मेरा तो फिर इसमें हाथ में अब और हाथ पैरों से काम नहीं कर रहा। कैमरामैन दिखाए इनके हाथ पैर जो है, ये पिता के हाथ भी काम नहीं कर रहे और पैरों में भी चोट है और पूरा स्थिति बहुत खराब है, अपना गुजर बसर कैसे भी करते हैं। और यहाँ पर जो देख रहे हैं मकान की स्थिति बहुत खराब है, बहुत खराब है। गरीबों के लिए सरकार काम करती है। मैं सरकार से यही अपील करूंगा कि इस घर को जब मैं दोबारा यहाँ पर कभी वीडियो बनाने आऊं या फिर इनका हालचाल लेने आऊं तो सरकार से मैं जरूर गुजारिश करूंगा कि हमारे ASB न्यूज चैनल के माध्यम से इस मकान को ही नहीं बल्कि इस गरीब परिवार को पूरा सहयोग देने का कार्य करें। आइए मैं आगे बात बढ़ाता हूँ, आगे बात करता हूँ। मैं यहाँ पर जो स्थिति दिखा रहे हैं, हो सकता है अगली बार जब मैं आऊं तो ये स्थिति ना मिले, इसलिए मैं इस कैमरे में ये हालात दर्ज करवाना चाहता हूँ कि ये बंसिका का जो चारपाई है इसी पे लेटी रहती है, इसी पे सोती है और यहाँ पर ये देखिए स्थिति बहुत गरीब स्थिति है। मैं पूरे कैमरे से ये नजारा इसलिए दिखा रहा हूँ, एक स्पीकर भी रखा है, शायद इसी से गाना गाया गया है, ये स्पीकर जो रखा हुआ है इससे गाना गाया गया है और यहीं पर ये TV जो है देखिए देखती है बंसिका। और ये हमारे साथ जो बंसिका है वो वायरल गर्ल है, ये मामूली हस्ती नहीं है, लोग अभी इनसे बहुत लोग मिलने के लिए बैठे हुए भी है और लोगों का जो तांता लगा हुआ है वो इनसे मिलने के लिए। मैं जानता हूं ये ऐसी गर्ल है, बड़े शालीनता भरी जिंदगी काट रहे इसका इनका परिवार और ये भी, क्योंकि जैसे ही कोई फोन करता है तो बंसिका एकदम कह देती आ जाइए, अपनी मुसीबतों को ना देखते हुए दूसरे को सहयोग और सहारा बनने की कोशिश कर रही है इस वक्त बंसिका। तो मैं बात करता हूँ बंसिका जी से। जी नमस्कार बंसिका। सबसे पहले नमस्ते आपको भी और मेरे देशवासियों को भी। जी ASB न्यूज चैनल पर जो सच्चाई के साथ कार्यक्रम दिखाया जाता है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बंसिका मैं ये चाहूंगा कि आपका परिचय हो जाए हमारे दर्शकों को। परिचय
पर्चे में आप अपना इंट्रोडक्शन दें, कहाँ रहती हैं, क्या नाम है और पिताजी क्या करते हैं, ये सब बता दीजिए। मेरा नाम वंशिका, मैं हापुड़ में रहती हूँ, आदर्श नगर कॉलोनी मोजरा। और पापा जी तो मैंने आपको पहले बताया था, पापा जी मतलब मयूर चलाते भी बोलते हैं, और मम्मी भी मजदूरी कर लेती है, और मैं तो फिर पढ़ाई करती हूँ, 10th क्लास में हूँ। जी, बात करें आपके आगे भविष्य बढ़ने के लिए, जो आप वायरल हुई हैं, वीडियो वायरल हो गया, ये जो वीडियो वायरल हुआ था ये कब आपने बनाया था और वायरल कैसे हुआ? ये एक साल पहले पुरानी वीडियो थी, जिसने मैंने ट्विटर पे लगाई थी, हमने अपने फोन से बनाई थी, मतलब मामा जी के फोन से, तो वहाँ से डाल के, तो वहाँ से कोई यूट्यूब पे डाल दिया कि मेरा गलत हो जाए, लेकिन मेरे साथ ऊपर वाले ने सीधा कर दिया। आपका आपको गलत करने के लिए ये वीडियो डाला गया था, लेकिन ईसो ने आपको जो अच्छा करने के लिए कर दिया। तो ये वीडियो कब पड़ा था आपका? करीब 1 साल पुरानी। क्या डेट माह कोई? ये हम नहीं जानते कि किसने डाला, कैसे डाला और कब डाला, हमें बस इतनी पता है यूट्यूब पे आया था, जिस दिन जन्माष्टमी थी उसी दिन मैं फेमस हो गई थी। पहले फेमस तो पहले होती आ रही थी ट्विटर पे जी, तो लेकिन जो यूट्यूब पे आई थी वो जन्माष्टमी वाले दिन आई थी जी। तो इसका मतलब है श्री कृष्ण जी ने साक्षात आपके लिए लक्ष्मी का दरबार खोल दिया है जी। बहुत अच्छी बात है। मैं अब ये जानना चाहूंगा कि जो आपकी स्थिति जो है बहुत मालिन है, बहुत स्थिति खराब है, पापा परेशान है, माताजी की भी स्थिति ठीक नहीं है, बुजुर्ग है, आप अभी बहुत छोटी हैं क्योंकि आप 10th क्लास में हैं, तो आने वाले समय में आप इसको कैसे बनाएंगे, कैसे मजबूत करेंगे अपने आप को? देखो वो तो आप सबके हाथों में है, मैं तो सिर्फ मेहनत कर सकती हूँ, वो सब आप सबके हाथों में है, मुझे कहाँ ले जाना है, कहाँ लेकिन मैंने तुम्हारा सिर्फ हाथ पकड़ रखा है, चलना तुम्हारे ऊपर है। आपने कोई सपना अपना जो ड्रीम जो अपने भविष्य में बना रखा हो कि ऐसा हो सकता है, क्या बनाया, क्या चाहती है? सपना तो देखो, सपना तो मेरा सिर्फ आप हो, जो आप दिखा सकते हो तो वो मैं कर सकती हूँ, लेकिन मेरा सपना था कि मैं डांसर के साथ साथ मैं एक वकील भी बनूं। वाह। और वकील के साथ साथ मैं गरीबों की मदद भी करना चाहती थी, कि मतलब जो मतलब हमारी तरह है, जो हमसे भी बुरी हालत है, देखो भगवान दुआ से मैं तो फिर भी 4 दीवारी है, जो बेचारे सड़क पे रहते हैं, रोडों पे रहते हैं, मैं उनके लिए भी कुछ करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है। मैंने जैसा सुना था वैसे बहुत ज्यादा आप, मैं समझ सकता हूँ, आपके सामने फील कर सकता हूँ कि आपका जो हृदय है वो करुणामयी है, बहुत दयालु है, मतलब लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो अब आगे क्या आपका जो काम करने का तरीका है, किस तरीके से काम करेंगी, लोगों की मदद कैसे करेंगी आप? लोगों की मदद, देखो मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा ना, फिर मैं एक बात जरूर बताऊंगी कि हमेशा ही सही राह पे चलो, गलत पे कोई ना चलो। अगर कोई बंदा अपने दिमाग से इस्तेमाल करेगा ना, किसी के भड़काने में तो बिल्कुल रहे नहीं, चाहे कोई लड़की हो या फिर कोई भी हो, सब अपने दिमाग से बात करे, मजदूरी करके खा ले, लेकिन किसी की वो ना करे, मतलब अपने बलबूते जीना सीखे जी। तो आज ये भी बात आप एक सामने जो ला रही है नारी शक्ति की, कि आप भी एक लड़की हैं, और क्या मतलब आसपास का माहौल जो है वो आपको कैसा लग रहा है, कि आप आगे चल पाएंगी या नहीं या ठहर जाएंगी? सबसे पहली बात तो कि कोई भी लड़की होती है उसे मतलब कोई समझ नहीं पाया आज समाज, अगर लड़की को तुम लड़की के रूप में देखो ना, तो वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता जी। लड़की एक बहुत अद्भुत शक्ति है, अगर तुम मानोगे तो वो कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन जब तुम उन्हें कंधी तरफ से सोचते हो तो उनके मन भटक जाता है, अरे हमारे माँ बाप ऐसे करते हैं तो हम क्यों कर पड़े लिखे। अगर तुम लड़की को सही रूप से दे, जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और इतना बड़ा नाम रोशन कर सकते हैं जो कल्पना चावला। जी जी, बिल्कुल सही बात है, कल्पना चावला ने पूरे भारत का नहीं बल्कि पूरे देश की, हर बेटी हमारे समाज की, हमारे देश की बेटी हर ऐसे करें, चाहे वो कोई भी समाज की बेटी बेटी होती है, वो अपने लाइफ में ऐसे करके दिखा दे कि हाँ हर कोई बंदा कहीं भी है, कोई लड़की थी जो पहले मजदूरी करती थी, ये करती थी, लेकिन अब वो अपने बलबूते कुछ कर सकती है जी। बहुत बढ़िया, आपकी सोच है, बहुत अच्छी आपके विचार है। मैं उस मुद्दे पर बात करना चाहता हूँ कि आज आपकी जो स्थिति है वो मतलब एक आम नागरिक गरीबी रेखा से नीचे यापन आप लोग कर रहे हैं, तो क्या सरकार ने आपके लिए कुछ मदद किया, सरकार के लिए कोई? सरकार ने देखो जो मोदी जी है, हमारी मोदी साहब जी है, तो उन्होंने हमने पहले किस्त भरी थी,
मकान की जो किस्त भरी थी तो हमने वो 2 साल लॉकडाउन के आसपास भरी थी, तो पहले तो हमारी किसी ने भांजी मार दी थी क्योंकि तो मतलब घर बार ठीक है और पैसे वैसे तो हमारा पैसा वो वापिस चला गया था। फिर हमने मम्मी ने दोबारा किस्त भरी थी तो फिर हमारी किस्त आ चुकी है 50,000 रुपये किस्त के आ चुके हैं। उनका भी हम तहे दिल से हाथ जोड़कर धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे जो छप्पर है जो लैंटर भी टूटा पड़ा है कम से कम बोले बड़ा नहीं छोटा बन जाएगा लेकिन हम उसमें सवार हैं। बिल्कुल बिल्कुल मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के माध्यम से आप दे रहे बहुत अच्छी बात है। उन्होंने मतलब समाज के लिए भी बहुत कुछ करा है, बेटियों के लिए भी कुछ भी करा है, स्वच्छ भारत बनाया उन्होंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब मुझे नहीं सभी देशवासियों को अच्छा लगा तो हमेशा ही वो ऐसे ही करते रहे। बहुत अच्छी बात है और हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी के लिए भी कुछ 2 शब्द बोल दीजिए। तो योगी जी साहब जो हमारे मतलब हमारे तो हापुड़ में भी वो आए हुए जी 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 तो प्रचार भी उन्होंने बहुत अच्छा करा, सफाई भी, गरीबों को नाज भी दुलाया, राशन जो बंटता है ना तो बेचारे कोई पैसों का खा रहा है कोई नहीं खा रहा है कोई चावल खा रहा है तो फिर ही राशन भी दिलाया, हमने भी लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा उन्होंने गरीबों के लिए बहुत सारी मदद करी। हमेशा ही मैं तो चाहती हूँ गरीबों के लिए ऐसी मदद करते रहे। आपके कंधों पे बहुत बड़ा भार है, मैंने पिताजी से जानकारी की आप बड़े ही हैं अपने घर में, आपके 3 छोटे छोटे भाई बहन भी हैं, उनके लिए आपने क्या सोच रखा है? बहन भाई के लिए तो मैं तो ये चाहती थी कि मेरे बहन भाई पढ़े लेकिन मैंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि मैं कैसी हूँ, मैंने सोचा कि मेरे माँ बाप हमेशा खुश रहे। जब मेरे पापा मैं चलाने जाते थे ना तो मुझे मतलब अंदर से ऐसे उत्साह सी बढ़ती थी कि यार मेरे पापा 200 रुपए में किसी बिठाते हैं और वो मतलब बिठाते हैं तो बहुत थोड़ा अजीब सा लगता था, तो कोई 5 कोई 10 इस तरीके से करता था। कोई नहीं, मैं फीलिंग समझ सकता हूँ, बहुत भद्दा सा लगता है पापा जो है बहुत परेशानी से पाल पोस के बड़ा किया। हम पढ़ाई भी करते थे तो पापा जो थोड़ा अलग ही वो होता था कि हमारे माँ बाप हमारे खातिर हाथ पैर जोड़ रहे तो हमें कुछ करके दिखाना चाहिए। तो मैं तो ये कहना चाहूंगी सबका गुरु माँ बाप होता है, माँ बाप से बढ़कर उनका साथ कभी मत छोड़ना। सब चुप से माँ बाप हमारे सिर पे छुरी भी रख रहे हैं ना, उनकी जान मतलब उनका जो मतलब दे पा रहा है उन्हें भी तुम माफ कर देना क्योंकि वो माँ बाप है। बिल्कुल सही बात है। और मैं अपने माँ बाप पे बहुत ज्यादा गर्व करती हूँ, अपने पापा पे भी और अपने मम्मी पे भी, उन्होंने मुझे 9 महीने पेट में रखा और मुझे इतनी शिक्षा दी और उन्होंने कभी मुझे किसी भी काम करने से नहीं रोका, मैं कुछ भी कर रही हूँ अपने घर में कुछ भी, उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा हमेशा। उससे वो एक बात बोलती थी वैसे कुछ भी करिए लेकिन गलत कभी मत करिए, मैंने उनकी बात को समझा और मैं चाहती हूँ हर एक लड़की अपने माँ बाप को समझे, उनके माँ बाप कुछ भी कह रहे हैं ना दिल पे ना ले, बस वो सोचे अरे हमारे माँ बाप ऐसे कह रहे हैं मैं ऐसे करके दिखाएंगे कि हमारे बाप ये कहेंगे अरे वाह हमारी बेटी ने ऐसे करा। तो मैं ये चाहती हूँ कोई भी लड़की उनके माँ बाप कुछ भी कह रहे हैं उनका मुंह या पड़ोसा कुछ भी कह रहा है मत दो, इन सबको छोड़ दो, जो तुम्हें करना है तुम वो करो, गलत राह छोड़ के सही करके दिखाओ, उन पड़ोस वालों को भी दिखा दो और दुनिया को भी दिखा दो और अपने माँ बाप को भी दिखा दो लड़की है क्या चीज। मैं लड़की नहीं हर एक लड़की की बात करती हूँ, हर एक बेटी की बात करती हूँ। बहुत अच्छी बात है, हर माँ बाप के लिए ये सम्मान होना चाहिए और हर माँ बाप के लिए बेटी के दिल में जो सम्मान है वो माता पिता के लिए होना चाहिए। विश्वास की डोर को आप जो है पार कर चुकी हैं, विश्वास हुआ है तभी आपने ये कदम उठा पाया। मैंने सोचा कि मेरे माँ बाप मुझ पे इतना गर्व करते हैं हमेशा, मतलब मेरे पापा मेरे चलाते थे, मम्मी मजदूरी करती थी, दुख से होता था कि यार मेरी मम्मी मजदूरी करती है, तो मैं चाहती थी कि मैं अपने आप को इसका भी बनाऊं कि मैं अपने मम्मी पापा को मजदूरी करनी ना दूं। मेरा सपना ये भी नहीं था कि मैं इतनी ऊंची पे हो जाऊँ, इतना हो जाऊँ कि अपने हिसाब से कर सकूँ, लेकिन भगवान ने मेरा ऐसा लग फेरा कि ये तो मैं कभी भूल ही नहीं पाऊंगी। अच्छा कभी ऐसा मेरा भगवान हमेशा मेरा माँ बाप है, मेरे गुरु मेरे माँ बाप है क्योंकि उन्होंने मुझे हौसला दिया, उन्होंने मुझे बेटी समझा और मैंने आज उन्हें बेटी का रूप दिखा दिया। बहुत बढ़िया, हर बेटी को अपने माँ बाप पे गर्व होना चाहिए जी, और माँ बाप को भी गर्व होना बहुत जरूरी है क्योंकि माँ बाप विश्वास करेंगे बेटी पे तभी बेटी कुछ कर सकती है। बेटी का विश्वास जो है माँ बाप जीतते हैं और माँ बाप का विश्वास बेटी जीतती है जी, उसी का ये असर है कि आज जो है आप इस मुकाम पे पहुंची हैं। बहुत बढ़िया बात है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जो छोटे छोटे भाई बहन है
उनके लिए आपने क्या सोचा? जैसे आपने कहा कि हम पढ़ाई कराना चाहते हैं, लेकिन अब आप दूसरे ट्रैक पे गए, तो बच्चों के जो भाई बहन है उनके लिए आपने क्या सोचा? पढ़ाई तो मैं चाहती थी कि मेरे मम्मी पापा मजदूरी करते, मेरे भाई ऐसे मजदूरी ना करें। बहुत बढ़िया। मैं चाहती थी वो पढ़ें, नाम रोशन करें अपने माँ बाप का। देखो मैं तो एक लड़की हूँ, हर एक लड़की कर सकती है, लेकिन बेटे को भी करना बहुत जरूरी है। तो मैं चाहती थी मेरे भैया भी कुछ करें लाइफ में, अपना उनका बिजनेस हो, किसी की मतलब मजदूरी पर ना जाए। बोलते हैं ये क्या कर रहा है, ये करता है, कोई बेचारा होटल में जाके बर्तन साफ करता है, कोई खाना बनाता है, कोई धर्मशाला में बर्तन मांजता है, कोई किसी की पलेटें मांजता है, चुकता है, मतलब सब खाते हैं पलेट झूठी। तो ऐसा काम ना करें। अब जितना समय तुम बर्तन मांजने में लगा रहे हो और धर्मशाला में लगा रहे हो, पिन्नी चुगनी में लगा रहे हो, उतना समय अपनी पढ़ाई करो। बिल्कुल सही। जरूरी नहीं है कि तुम स्कूल में ही तुम्हें ज्ञान मिलता है। डॉक्टर बाबा अम्बेडकर ने बुक बनाई है हमारे लिए, उन्हें घर में बैठकर अपना ज्ञान, उन्हें पढ़कर कुछ सीखो, जितना ज्ञान तुम औरों को दे रहे हो उतना उतने समय अपने आप को देखो, ज्यादा नहीं थोड़ा समय देखे देखो, फिर देखो काम हो सकते हो। बाबा साहब ने भी इस तरीके से बहुत परेशानी उठा के, जो बाबा साहब थे वो कभी स्कूल नहीं गए, वो सब मैं भी जानती हूँ और आप सब भी जानते हो। उन्होंने अपने घर पे मेहनत करी थी। तो मैं चाहती हूँ जो लड़का भी लड़की भी मजदूरी करते हैं, कुछ समय अपने विद्या को देखें तो देखो कैसे आगे जाते हैं। सबसे बड़ी अनमोल चीज है पढ़ाई, विद्या। तो वो सब कुछ बढ़ जाएगा संसार में, पढ़ाई कभी नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल सही। मैं खुद कह रही हूँ, मैं इस मुकाम पे हूँ, मुझे भी पढ़ाई की बहुत जरूरत है और मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। मेरा जो करियर था वो मेरा लक था, लेकिन मैं एक लक अपना बनाना चाहती हूँ और वो भी वकील बन के। अगर मुझ पर हो सकता है मैं उतनी मेहनत करूँगी और आप सबके लिए मैं करूँगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे विचार हैं आपके, समाज के लिए इतना मतलब आप सोच रही हैं, तो बिल्कुल समाज भी आपको आशीर्वाद देगा पूरा कि आप भी आगे बढ़े, जिससे आप मजबूत होंगी तो समाज भी मजबूत होगा। समाज की खातिर तो मैं आज यहाँ पे हूँ, अगर वो मुझे इतना आशीर्वाद नहीं देते तो मैं यहाँ पे नहीं होती, तो उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये जो पिताजी के इलाज के लिए क्या ये कोई संभव प्रयास किया आपने कि पिताजी का इलाज हो जाए? पिताजी का इलाज देखो, जब मैं घुटमन भी नहीं चलती थी, बच्ची थी, जब मेरे पापा जल गए थे हजार के लाइन से, 80% जले थे मेरे पापा जी, तो मेडिकल रहे थे मेरिट के अंदर, 3 साल हॉस्पिटल में रहते मम्मी जी और पापा। मैं तो खैर छोटी थी, मतलब मुझे इतना ज्ञान नहीं था, घुटमन भी चलना मैं हॉस्पिटल में सीखी थी, तो मैं तो उनके बारे में नहीं जानती। लेकिन जब मेरी मम्मी उनका बताती थी कि 3 साल ऐसे से मैं 3 साल हमने काली चाय पी थी, 3 साल हमने काली चाय पी थी, तो दीवार कूद कूद कर हम दवाई लेने जाते थे और मतलब सब्जी वब्जी मंशा दे दिया है मेरिट के अंदर, वहाँ पे प्रसाद लगता था, वहाँ से मम्मी लेके आती थी। और जो मतलब जब मैं बताती थी हाँ तो अपना मन खोल के, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि हमारे माँ बाप ने इतने बुरे दुख काटे, तो फिर मैं कोने में बैठ के रो सकती थी कि हमारे माँ बाप ने बहुत बुरे दुख काटे, तो मैं उन्हें कुछ ऐसा नहीं करके दिखाऊंगी जो उनके दिल पे बहुत बुरा पीते। बिल्कुल सही। मैं सोचती थी वहाँ ज्यादा नहीं, तो मुझे थोड़ा तो ज्ञान दे देना और मैं चलूंगा, मुझे रास्ता दिखा देना, बस मैं चलूंगी तुम्हारा सामने लेकर। तो जब मम्मी बताती थी तो ऐसे होता था कि अब मर गए, तो मम्मी बहुत मतलब पूरी बॉडी जली हुई है मेरी, तो भगवान दुआ से आप सबके आशीर्वाद से मेरे पापा जी बेच रहे, तो उम्मीद नहीं हुई। 3 साल हॉस्पिटल में मायने और काली चाय पी, और फिर हमारे घर बाहर भी ऐसे था, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें कभी महसूस नहीं होने दिया कि तुम्हारे पापा पहुंचे, चाहे वो मयूरी से पैसे लेके आ रहे हैं, चाहे वो किसी के मांग के लेके आ रहे हैं, चाहे वो मजदूरी करके लेके आ रहे हैं, हमसे सिर्फ इतनी कहा था कि तुम मेहनत करो और तुम खाने पीने से बन दो, ये मैं सोचो हम कहाँ से ला रहे हैं कहाँ से नहीं ला रहे, हमें कभी नहीं। लेकिन हमें दिखता था हमारे पिता जब सुबह के 6 बजे मयूरी लेके जा रहे हैं सर्दी में भी, और शाम को 8 बजे 8-9 बजे करीब आ रहे हैं, तो लगता है कि हमारे माँ बाप कोई 10 रुपये में जा रहा है, कोई पैसे भी नहीं देता था, बाजी हम बैठ के जाते थे, कोई 10 में बैठा है तो कोई 5 रुपये लगते हैं,
तो बहुत उससे लगता था, और एक्सीडेंट होने से भी बहुत ही वो लगा है कि मान ली पीटने के लिए भक्ति के लिए, तो मतलब बहुत ही बहुत बुरा लगता था कि मैं अपने पापा के पास मारे छुपा सकती। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना किया है माता पिता ने, और उसके बाद ये फल प्रताप जो है उसी मेहनत का फल है। मेरा तो मानना ये है कि जो मेहनत की है और जो परेशानियां देखी हैं उसी का ये प्रताप है जो आपको मिला है। और ऐसा क्यों हुआ कि जन्माष्टमी के दिन आपको ये चीज़? जन्माष्टमी की मैं आपको बातें बताती हूँ। मेरे स्कूल में कंपटीशन था जी, मेरे स्कूल में कंपटीशन था, बट मैंने कभी स्कूल में कभी डांस आना नहीं करा। मैं सोचती थी कि मैं पढ़ाई करूँ लेकिन डांस ना करूँ। तो मैडम ने एक दिन मुझसे कहा था, वंशिका तुम इसमें कंपटीशन लो। मैंने कहा था कि कंपटीशन, मेरे एग्जाम भी जब थे, मेरे पेपर भी जब थे, तो मैं कह लगी पेपर करूँ या मैं कहने लगी चलो एक दिन में तो कंपटीशन है कर लेती हूँ, रात का है पेपर भी याद हो जाएंगे। तो मैंने कंपटीशन में भाग ले लिया, फिर उसमें भाग लड़की गुनी चुनो को लड़की को भाग मिला था। तो जन्माष्टमी पे मेरा मतलब कंपटीशन था, तो मैं करी थी इस सॉन्ग पे डांस करा था मैंने, शाम भर सानी मान जाना दो तीन सॉन्ग थे तो मैंने करा था। फिर यूट्यूब पे ट्विटर पे तो खैर पहले से आ रही थी ये खबर, लेकिन यूट्यूब पे आई थी जन्माष्टमी की रात को जो रातों रात बारी होगी। तो मैं कृष्ण भगवान जी का भी गुणगान करेंगे और धन्यवाद देंगे जी जी। और उनका तो धन्यवाद कौन देगा, क्योंकि वो तो सबको ही धन्यवाद देते हैं जी जी। तो जो आपने माता पिता के लिए जो बात बताई है वो आपके दिल में कहीं ना कहीं कसोटती रही कि किसी तरीके से हम इनकी मदद कर सकें, ये उसी का प्रताप है। और दिल में तो खैर मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पहचान बनाऊँ, मैं किसी की वो ना करूँ, मोहताज ना रहे, किसी की वो नहीं रहूँ, ना किसी की होल्ड करूँ, ना किसी की वो रहूँ। मैं अपने आप की पहचान बनाती हूँ, मैं वंशिका ही बनना चाहती हूँ, मैं अपनी पहचान बनाती हूँ। मुझे भी कोई कहे वंशिका हापुर या फिर वंशिका, मैं अपनी खुद की पहचान बनाना चाहती हूँ, किसी और की नहीं। मुझे किसी और के नाम से नहीं जाना चाहिए, मैं अपने नाम से पहचान बनाना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ वंशिका। और मेरे दिल को जब सुकून पहुंचेगा जब मैं कुछ पा लूंगी। मैं अब भी मामूली लड़की हूँ और हमेशा ही मामूली लड़की रहूंगी, और अपनी नजर में मैं हमेशा ही मामूली लड़की रहूंगी और आगे भी। लेकिन मेरे दिल को तब तक पहुंचेगा जब मैं कुछ अपने जिले में पा लूंगी और कुछ करके दिखा दूंगी अपने समाज को भी, मतलब अपने समाज को नहीं हर समाज को कुछ करके दिखा दूंगी और अपने माँ बाप, जब मेरे मुझको सुकून मिलेगा। ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे माँ बाप जब सुकून में होंगे तब हमें सुकून मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपके दिल में जो है जब यहाँ माता पिता का ये संकट रहा और ये परेशानियां रही, तो ये दिल में कहीं ना कहीं आप भगवान को याद करते होंगे और कहते होंगे कि भाई मेरे ये हाँ। तो मैं ना छत पे चली जाती थी, छत पे रोने लग जाती थी, कोने में बैठ के रोने लग जाती थी कि मेरे पापा ने तो मेरे दिल काट। देखो मैंने तो कभी देखी नहीं मेरे पापा मतलब जले थे, जब मम्मी बताती है वैसे मेरे पापा चले गए, मैं जब छोटी थी शांति नहीं थी, लेकिन उन्होंने कभी महसूस नहीं हो गया कभी भी बोलेगा नहीं। तो हमें किसी के घर मांगने दिया जाके तो वहाँ से ही किया, हमने रोटी सूखे अपने घर में खाया, अपने घर में टाइम बिताया। और मेरी मम्मी मुझे बताती थी रो रो के, तो उनके सामने मेरे आंसू नहीं निकलते थे क्योंकि मैं रोऊंगी तो उनका दिल हल्का पड़ जाता था। मेरी मम्मी ने हमेशा मुझ पर गर्व करा था कि मेरी बड़ी बेटी ये है और मैं इसका जीवन बनाना चाहती हूँ, इसी वजह से उन्होंने दूसरे शादी नहीं करी। नहीं कोई चाहती तो मेरे पापा को छोड़ के शादी कर सकती थी, लेकिन उनका भी त्याग है। मेरी मम्मी ने मेरा जीवन देखा कि मेरे बेटे को कोई कोई आगे बढ़कर कैसी नज़र से देखेगा, और मेरी मम्मी ने ऐसे मेरे साथ नहीं होने दिया। तो मैंने मेरी मम्मी ने मुझ पर गर्व रखा और मैंने ये सब करा। अभी मैंने कुछ नहीं करा उनके लिए, अभी मैंने कुछ नहीं करा, तब तक मैं उनके लिए करके नहीं दिखा देती हूँ। एक बड़े उस पर नहीं पहुँच जाती चाहती हूँ आपके सोच से, तब तक मैं कुछ नहीं उनके लिए मैं चाहती हूँ। एक बड़े उस पर पहुँच कर उनके पैर छूँ अपने माता पिता के, और तब मैं उनसे कहूँ कि हाँ मैंने कर दिया, अब भगवान मेरी जान भी ले ले तो मुझे इस बात का कोई गम नहीं। बहुत बहुत आपके अंदर जो है वो भाव बड़े भरे हुए, बहुत उम्मीदें आपके अंदर हैं। और समस्या यही है कि आपने बहुत मुसीबतों से बहुत मुसीबतों का सामना किया है, बहुत सी चीज़ें देखी हैं,
ऐसा कहीं नहीं होता है। बहुत से स्टार बने हैं लेकिन इन हालातों से नहीं निकले, आपने वो हालात देखे हैं, इसलिए ये सब बातें आपको याद हैं और मन में दृढ़ संकल्प लिए हैं। माता पिता की सेवा की बात कर रहे हैं, समाज की भी बात कर रहे हैं। तो अगर आप स्टार बन गए तो आप सबसे पहले कौन सा कदम उठाएंगे, सबसे पहला क्या काम करेंगे, समाज के लोगों के लिए या माता पिता के लिए? देखो स्टार तो मैं जानती नहीं हूँ, स्टार ना मैं एक लड़की हूँ और मैं वंशिका हूँ और हमेशा ही अपने समाज के लिए वंशिका ही रहना चाहती हूँ। वो मुझे स्टार समझते हैं, मुझे इस बात से कोई नहीं, अच्छी बात है, लेकिन मैं हमेशा अपने आप को मामूली लड़की समझूंगी। और हाँ, जिस दिन मैं बड़े मुकाम पर पहुंची तो मुझे कहने तो नहीं चाहिए, क्योंकि पहले कहते तो कोई नहीं होती है, मैं तब उन्हें करके दिखाऊंगी कि हाँ एक लड़की को भी हौसला मिलेगा कि जैसे वंशिका है हम भी अपने माँ बाप के लिए ऐसी करें। मैं उनके लिए करना चाहती हूँ बस, समाज के जो गरीब लोग हैं उनके लिए भी आप। मैं गरीबों को करना चाहती हूँ। क्या करेंगे उनके लिए, क्या उम्मीदें हैं उनके लिए? उनकी उम्मीद है कि इस बेचारे कोई रोड पे रहता है, कोई मजदूरी करता है, कोई अपाहिज है, कुछ चल भी नहीं सकता, खा भी नहीं सकता, मैं उनके लिए करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी बात है। इस चैनल के माध्यम से आप कोई समाज को और देशवासियों को संदेश देना चाहती हैं तो वो आप बात बता दीजिए, क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि हमेशा ही तुम भी आगे बढ़ते रहो, किसी के उस पे मत रहो, अपने बलबूते कुछ करने सीखो, किसी की मजदूरी कर दो, अपने घर में जो पाओगे जब कुछ पैसा तुम किसी और को दे रहे हो तो कुछ पैसा अपने घर में लगाओ कि हमारा ये बिजनेस है और अपना बिजनेस में काम करो अपना। चलो गरीब आदमी है वो तो मजदूरी करता है लेकिन अपने आप को सीमा लगा, चलो माँ बाप मजदूरी करते लेकिन अपने बच्चों को इस प्रॉब्लम में डालो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। सरकारी स्कूल है, हमारे योगी साहब ने भी फीस माफ़ करवाई थी, मोदी जी ने भी फीस माफ़ करवाई थी, एडमिशन कराओ, एडमिशन भी नहीं, बुक्स है हमारे डॉक्टर भी, हमारे अम्बेडकर जी की भी और भी हमारी विद्या है, उन्हें घर पे लेके बैठो, पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन मजदूरी मत कराओ, बर्तन मत मंजवाओ किसी के बर्तन मत मंजवाओ, किसी से चाय मत बनवाओ, चाय बनाते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ जी, पढ़ो लिखो, मैं तो यही चाहती हूँ, अपने मतलब गलत राह को निकाल के अपने जीवन में जो करना चाहते हो वो करके दिखाओ। तो ये जो आपका पिछला समय जो बीत गया है, क्या ऐसे याद रखोगे आने वाले समय में? हाँ, मैं हमेशा याद रखूंगी, पीछे के वक्त कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि पीछे के वक्त ने ही मुझे आज ये वक्त दिखाया है, तो मैं उस वक्त को कैसे भूल जाऊंगी, वो ही मेरा जीवन है, वो ही मेरा आधार है। अगर मैं बड़े उस पर पहुंच गई तो मैं कहूँगी मेरा पीछे का वक्त मेरे लिए बहुत लग था जो मैं आज यहाँ पर हूँ, पीछे के वक्त कभी नहीं भूल पाऊंगी, जिसकी मेहनत से मैं आगे बढ़ पाई तो मैं उसे कैसे भूल जाऊंगी, कभी नहीं भूल पाऊंगी कभी भी। अच्छा, आपके पीछे ये उठने में किसका हाथ है, जो वीडियो वायरल हुई है या आप उठे हैं तो इस बंदे का देखो नाम तो नहीं जानती, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो जी। बस मैंने स्टेटस पे वीडियो लगाई थी तो जो कांटेक्ट होते हैं वो घर के ही होते हैं जी। लेकिन मैं घर को कभी नाम नहीं लूंगी, मैं बस ये कहना चाहूंगी जिसने मेरी वीडियो यूट्यूब पे डाली उसके लिए हाथ जोड़ कर भी और वो बंदा मेरे सामने आ जाए तो उसके में पैर पड़ने के लिए तैयार, तूने मेरी जीवन बदल दिया। बहुत अच्छी बात है, ये तो आपका जो है बड़प्पन है जो इतना सम्मान लोगों को दे रही हैं आप, वरना आज के समय में कौन किसको जानता है, जब बढ़ जाता है सब कुछ तो। मैंने आप लोगों से सीखा है, नहीं बुजुर्गों से सीखा है, मेरी दादी हमेशा एक बात बताती थी कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन कभी तो हार मत मानना, मेरी दादी ने मुझे हौसला दिया मेरे माँ बाप की तरह, और मेरी दादी से लड़ाई झड़क के तो मैं दादी को तीन जगह हो जाते थे और मेरी दादी ने मुझे सिखाया सब कुछ करना, तो मैंने उनकी बातों पर ध्यान दिया कि बड़े बुजुर्ग पहले ऐसे होते थे तो उनके ज्ञान से ही मैं आप सबके ज्ञान से यहाँ पर। बहुत अच्छा। इसके अलावा आपके मामा जी का भी कुछ हाथ है, आपके सहयोग रहता है? हाँ, मामा जी मेरा मैनेज करते हैं चैनल भी, मेरे हमारे साथ रहते हैं, और मामा जी जो मामा होते हैं ना वो पिता से बढ़कर होते हैं।
तो मेरे मामा जी पूरा अधिकार निभा रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, कल मेरे मामा जी दरोगा बने थे। अच्छा, शूटिंग में बने थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे सपने के साथ साथ रियल में नहीं बने वो, लेकिन एक वर्दी पहनने का ना अलग ही होता है कि क्योंकि वर्दी और ये स्टार हर किसी के वो नहीं रहते, मेहनत करने वाले भी नहीं थे। और मेरे मामा जी ने रियल में नहीं तो रोल तो किया था, तो किया तो मुझे बहुत खुशी और ये सबके लिए, आप सबके वजह से वर्दी पहनी, इसके लिए धन्यवाद। अच्छा, आगे आगे क्या कहाँ जाना चाहेंगे, किस प्लेटफॉर्म को आप पकड़ना चाहेंगे? आपने दो ट्रैक बताए हैं हमारे चैनल के माध्यम से, एक वकील वाला और एक डांस वाला, तो आप कौन सी ट्रैक पे ज्यादा? मैं देखो, मैंने बताया ना कि डांस मेरा लक था, जो मेरा लक बनाना चाहते हो मेरा वकील है। और मतलब मेहनत करने वाला कभी हार नहीं होती, तो मैं चाहती हूँ मैं दोनों को ही लेकर चलूँ, थोड़ा वो समय उसे भी दूँ और थोड़ा समय इसे भी दूँ। समय के साथ साथ अनुसार सब कुछ हो सकता है, अगर तुम समय दे के देखोगे तब। जी जी, बहुत अच्छी बात है बंसका जी से बात जो चल रही है, बहुत अच्छी बात चल रही है, वो बहुत शालीनता से आप देख रहे हैं। ये छोटी सी बच्ची है, बहुत उम्र भी नहीं है, अभी 10th क्लास में है और 16 साल की उम्र मात्र में आज ये जो हापुड़ का ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने काम कर रहे हैं। मैंने बात की, आप भी सुन रहे हैं कितनी शालीनता भरी बात हो रही है। तो यहीं पर मैं सच्चाई के साथ एक ब्रेक देते हैं और लेते हैं विदा बंसिका जी से। तो बंसिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए, थैंक यू। और ASV चैनल बहुत अच्छा है, मतलब मुझे इस पे इंटरव्यू देके बहुत अच्छा लगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, थैंक यू।